हम अभी तक वर्मिलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं तुम दोनों को याद दिला दूं, हमें शो शुरू करना है। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। चलिए, पोकेमोन में ब्रॉक को किसने आवाज दी थी ये तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं बाकी कैरेक्टर्स की, जिसमें मैं सबसे पहला नाम लूंगा द क्यूटेस्ट गोलू मोलू करंट मारने वाले पिकाचू की, जिसको कुछ सीजन्स में अपनी क्यूट सी आवाज दी है सोनल कौशल जी ने। पोकेमोन की फर्स्ट एवर मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था दुनिया के सबसे ताकतवर पोकेमोन म्यूटू को, जिसे अपनी दमदार आवाज दी थी संकेत महात्रे जी ने। मैंने सोचा कम से कम एक बार तो इंसानों के साथ रहकर देखो, इंसान पोकेमोन से बेहतर नहीं है और सभी जीवों में सबसे बुरे हैं। अगर मुझे किसी कमजोर और बुरे इंसान का हुक्म मानते हुए जीना पड़े तो मेरे लिए इस ग्रह पर रहने का कोई मतलब नहीं है। पोकेमोन में ऐश के पास हमेशा एक पोके टैब रहता है, जो हमेशा ऐश को पोकेमोन को समझने में मदद करता है। उसकी रोबोटिक वॉइस बने हुए थे मिस्टर राजेश कावा जी। ट्रेनिंग के दौरान एक पोकेमोन हमेशा पोकेबॉल के अंदर ही रहता है। पर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, कुछ पोकेमोन को आजाद रहना पसंद है। इस सीरीज में टीम रॉकेट नाम से तीन नमूनों की एक टीम थी, जो हमेशा पोकेमोन को पकड़ने में लगी रहती थी, खासकर पिकाचू को, जिसमें से जेम्स को आवाज दी है मिस्टर राजेश शुक्ला जी ने। हमने पिकाचू को पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुए। उसके बाद हमने ये मशीन बनाई, पेश है हमारी नई मशीन जिसे हम कहते हैं, इससे जो टकराएगा वो खुद टूट फूट जाएगा। और जेसी को आवाज दी है आरजे शगुफ्ता बेग ने। देखो, रिबन जीतने का एक ही सीक्रेट है, जजेस और ऑडियंस की पसंद के हिसाब से अपना परफॉर्मेंस देना होगा। चाहिए जो इंसान की भाषा समझता हो और तुम उसके लिए परफेक्ट हो। इस सीरीज में आपने हर एपिसोड में एक नरेटिव वॉइस सुनी होगी, जो एपिसोड के पहले और आखिर में आती थी, और वो आवाज बने थे मिस्टर विनोद शर्मा जी। सबको अलविदा कहते कहते ऐश, मिस्टी और रॉक को पता है कि वो नसीब वाले हैं कि उन्होंने एक प्राचीन पोकेमोन को देखा है। एक्साइटिंग पास्ट को देखने के बाद अब वो निकल पड़े हैं एक्साइटिंग फ्यूचर की ओर। इसी सीरीज में ऑफिसर जेनी और नर्स जॉय को एक ही वॉइस एक्टर ने अपनी आवाज दी है। अब इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना, अगर तुम्हें पोकेमोन ट्रेनर बनना है तो उसे तब तक लड़ने के लिए मत भेजना जब तक उसकी हालत ठीक नहीं हो जाती। आखिरकार अब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, मुझे भी अब वापस टाउन चले जाना चाहिए। चलो हम फिर मिलेंगे। पोकेमोन में वैसे और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं, लाइक लीड कैरेक्टर्स एश केचम और मिस्टी। और फन फैक्ट ये कि दोनों कैरेक्टर्स को रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ ने अपनी आवाज से नवाजा है, नचिकेत दीघे और रुचा दीघे। और अगर आप इनकी लाइव डबिंग देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप आराम से देख सकते हो। बाकी इसी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, देखना जरूर। और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि वो पोकेमोन सीरीज के सभी वॉइस आर्टिस्ट को सामने लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।